सूचना में आपका स्वागत है। सुजानगढ़ के मेसरी भवन में शहर एवं देहात कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सम्मेलन मंगलवार को आयोजित हुआ, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी रफीक मंडेलिया, मंत्री मास्टर भवनलाल मेघवाल सहित अनेक वक्ताओं ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आगामी 6 मई को कांग्रेस प्रत्याशी रफीक मंडेलिया के पक्ष में मतदान करने की अपील की। कांग्रेस नेताओं ने इस चुनाव के बाद देश में UPA गठबंधन की सरकार बनने का भी दावा किया। खास बात यह रही कि कांग्रेस नेता मोहनलाल सुराणा ने इशारों में देश के PM को रावण तक बता डाला। सम्मेलन में देहात व शहर के कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को हाजी मकबूल मंडेलिया, मोहम्मद इदरीस गोरी, सभापति सिकंदर अली खिलजी, जैसाराम प्रजापत, सूरजाराम ढाका, रामावतार शर्मा, मुनीराम सारण, प्रधान गणेश ढाका, रामेश्वर लाल दुसाद, देहात अध्यक्ष विद्याधर बेनीवाल, सविता राठी, उषा बगड़ा, डॉक्टर गणपत कालेर सहित अनेक वक्ताओं ने संबोधित किया। इस अवसर पर उपसभापति बाबूलाल कुलदीप, OBC कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बजरंग सेन, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष मुकुल मिश्रा, सोबासर से लक्ष्मण राम मेघवाल, सालासर से युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव तरुण शर्मा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रदीप दोधी, परमेंद्र सिहाद सहित अनेक कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं सम्मेलन के दौरान मंत्री मास्टर भवनलाल मेघवाल ने क्षेत्र के कांग्रेस नेता रहे हुए वर्तमान में रतनगढ़ी रानती में सक्रिय उषाराम गोदारा पर भी अपने अलग प्रकार के लहजे में आक्रोश प्रकट किया और कार्यकर्ताओं से कांग्रेस के पक्ष में वोट देने की अपील की। आप भी देखिए क्या क्या हुआ इस दौरान और बने रहिए ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए। हिंदुस्तान के 44 शहीदों को पूरे भारत की मीडिया ने दिखा दिखा कर लोगों में भावनाओं का ज्वार, देशभक्ति का भरा। अगर वो एक दिन भी एक आतंकवादी की फोटो दिखा देते कि हमने इसको मारा है तो मान लेते, क्योंकि फेंकने वाले का विश्वास कोई नहीं करता। इसीलिए हम सबूत मांग रहे हैं। आपको पता होना चाहिए ये भगवान राम के भगत हैं, लेकिन राम के पद चिन्हों पर चलते ही नहीं। जब भगवान राम के आदेश पर हनुमान जी लंका नहीं करती कि आपको भगवान राम ने भेजा है, क्योंकि लंका में तो रावण ही रावण थे, उनका विश्वास कोई नहीं करता। आज हिंदुस्तान की सर जमीन पर राज करने वाला एक रावण है, उसका भी कोई विश्वास नहीं करता। हनुमान जी ने कहा मैं राम भगत हूँ, और उन्होंने भगवान राम की अंगूठी दिखाई, सीता ने विश्वास कर लिया। भगवान राम ने सीता से भी पूछा कि तू इतने दिन रावण के दरबार में, रावण के राज में रही, मेरी देश की जनता ये आश्वस्त चाहती है कि तू पवित्र, पाक और ईमानदार है। सीता ने कहा कि मैं आपकी हर परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने अग्नि परीक्षा दी। तो जब सीता, भगवान राम सीता से सबूत मांग सकते हैं, तो क्या भारत की जनता इस युद्ध का सबूत नहीं मांग सकती? सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत नहीं मांग सकती? आपने F-16 के दो टुकड़े दिखाकर कहा कि हमने F-16 को मार गिराया, और आप 300 आतंकवादियों में से एक की भी फोटो नहीं दिखा सके। अभी तक अमेरिका ने कहा कि हमारे F-16 सुरक्षित है। मैं कहना चाहूँगा कि इनका 99 का घोषणा पत्र आप देख लीजिए, राम मंदिर राम मंदिर, उसके बाद में उनका 2004 का देख लीजिए, राम मंदिर धारा 370, उसके बाद में इनका 2009 का देख लीजिए, राम मंदिर। और विशेष तौर से कहना चाहूँगा कि आप लोग वो जिस प्रकार की बात कर रहे हो, तो मैं कहना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय अमित शाह जी ने जो संकल्प पत्र जारी किया है, उसमें राम मंदिर का नाम, हम राम मंदिर बनाएंगे, हम धारा 370 को उठाएंगे, 35A को उठाएंगे, इसके अलावा हम 6,000 रुपये साल के अंदर एक किसान को देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। मैं कहना चाहता हूँ इनका घोषणा पत्र घोषणा है। आप पिछला घोषणा पत्र, पहले तो ये प्रधानमंत्री बने नहीं थे, 2014 में प्रधानमंत्री जी बन गए, 15 लाख रुपये का क्या हुआ भाई? उन्होंने वादा किया है 10 करोड़ नौकरी या रोजगार साल के अंदर देने का, 10 करोड़ रोजगार देने के बाद वो कहाँ चले गए? हमारे पंचवर्षीय योजना समाप्त कर दिया, ED को जेब में डाल दिया, लोगों के छापे डाल रहे हैं। 5 साल में कांग्रेस के नेताओं को जिस प्रकार से परेशान किया गया है CBI के जरिए, जिस प्रकार से परेशान किया गया है, आपको मालूम है कि CBI, ED,
ये जो जिस प्रकार परेशान किया गया है, अब की बार जनता तैयार बैठी है और तैयार बैठ करके अभी बार तय कर लिया कि हिंदुस्तान के अंदर राहुल गांधी को बनाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी ने न्याय 20% से नीचे, जो गरीबी रेखा से नीचे है, उनको साल में 72,000 करोड़ रुपया राहुल गांधी उनके खाते में डालेंगे। जिस प्रकार से बैंक का कर्जा, असली ऋण जो सहकारिता का है वो माफ किया है, वैसे ही 72,000 करोड़ रुपया साल में 20% से गरीबी रेखा नीचे लोगों को डालेंगे। इतना बड़ा काम हो रहा है। चूरू लोकसभा क्षेत्र में कोई विकास के नाम की चीज़ नहीं है जो कसवा परिवार ने किया है। अभी 4 दिन पहले मैं प्रेस में उनके सामने आमना सामना हुआ और मैंने उनको पूछा, वो कह रहे थे कि हमने 300 ये विकलांगों को साइकिल बांटी। अरे मैं बोला, खुदा का बंदा, 550 साइकिल तो मैं जब कुछ भी नहीं बना था उस दिन बांट दी थी, कौन सी बड़ी बात कर दी। ऐसी बातें करते हैं, लोकसभा के अंदर कोई भी उन्होंने काम नहीं किया, ना विकास का काम किया है ना और कुछ काम किया है। देखो, शिक्षा और स्वास्थ्य में दोनों में हमारा जिला पिछड़ा हुआ है, हमें उस पर बहुत काम करने हैं। मेरे को चूरू लोकसभा की जनता ने मुझे मौका दिया तो मैं ऐसे काम करके दिखाऊंगा कि लोग याद करेंगे मुझे 5 साल बाद, और फिर लोग मुझे कहेंगे कि मंडेलिया वापिस चुनाव लड़, तो लड़ूंगा नहीं तो नहीं लड़ूंगा। सर, जब आप यहाँ से भारी बहुमत से फिर मंडेलिया को कांग्रेस को दिखाओ, सरकार नहीं है, उसने ये भी बोल दिया
कि अगर मेरे देश के अंदर मैं दोबारा प्रधानमंत्री बन गया तो इस संविधान को मिटा दूंगा और नया संविधान रख दूंगा। अरे वाह बाबा साहब अम्बेडकर को भूल गए, जिस बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे ऐसी गली में लेकर आया, जिन्होंने 24 बार रख सकिया। अरे आप लोग आरक्षण का काम बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया था, 8% आरक्षण जो दिल्ली में हुआ है वो मैंने दिया है, राजस्थान में मैंने पास रहा है, उसका मंत्री भी मैं हूँ, उसका मंत्री भी मैं हूँ। मैंने कह दिया तो आप निश्चित तौर से रतन में भी जीतोगे, लेकिन ऐसे व्यक्ति में भरोसे रहोगे
पता नहीं कहां पड़ेगा। आज आगे होके मुझे दिक्कत थी, मेरे फर्क पड़ता नहीं, गढ़ाई चले गया, मैंने कभी किसको निकाला भी।